हेलो गाइस, मैं रचना, आप सबका रचना कोचिंग क्लासेस चैनल पर स्वागत है। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 मोशन, यानी कि जिसको हम हिंदी में गति बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, अब हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटीज, जिसको हम बोलते हैं अदिश राशि। तो गाइस, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, जैसे कि मास। मास में हम बोलते हैं, अगर हम बात करें कि मैग्नीट्यूड, तो हम बोलते हैं 3 kg 4 kg, यानी कि उसका परिमाण तो है, लेकिन हम ऐसे नहीं बोलते कि 3 kg ईस्ट या 3 kg वेस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें डायरेक्शन नहीं यूज होती, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। उसी तरह से टाइम, उसी तरह से डिस्टेंस, उसी तरह से स्पीड। स्पीड मतलब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम बात करें, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो हमारा डिस्टेंस होता है वो कभी भी सीधा नहीं होता, यानी कि अगर हम बात करें कि डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस होता है कि जो हम पाथ को ट्रेवल करते हैं, हो सकता है वो पाथ ऐसा हो, यानी कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, हम पाथ को ऐसे ट्रेवल करें, तो फिर ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन नहीं शो होती इसमें, तो ये क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। जिसको हम बोलते हैं सदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है, यानी कि परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, जैसे वेलोसिटी। ये हम आगे डिफाइन करेंगे कि ये क्यों एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे ही फोर्स या मोमेंटम एक्सेट्रा, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। तो गाइस, हिंदी की लूसेंट में एक नोट दिया है कि करंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये तीनों, इनकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटीज है, ये स्केलर क्वांटिटीज, यानी कि ये अदिश राशि है। इस नोट को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो गाइस, अब हम बात करेंगे डिस्टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दूरी। तो गाइस, डिस्टेंस क्या होता है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। डिस्टेंस होता है कि किसी पाथ को कवर करने के लिए हम जितना भी पाथ कवर करते हैं, यानी कि ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए हम जितना भी पाथ कवर करते हैं उसको बोलते हैं डिस्टेंस, यानी कि दूरी। जैसे हम ऐसे भी जा सकते हैं, किसी भी तरह से हम इस पाथ को कवर कर सकते हैं, यानी कि जो टोटल कवर्ड पाथ बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी कि दूरी। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विस्थापन, तो गाइस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, छोटे से छोटा रास्ता हमें ए से बी तक जाने के लिए जो छोटे से छोटा रास्ता हम तय करेंगे उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ जो हम कवर करते हैं उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करेंगे स्पीड, यानी कि चाल। तो गाइस, आपको इसका फॉर्मूला पता ही है कि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मीनिंग क्या है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, यानी कि हर प्रति सेकंड में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, यानी कि हम एक सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करते हैं उसको बोलते हैं हम स्पीड, यानी कि एक सेकंड में हम कितना डिस्टेंस, यानी कि कितने मीटर ट्रेवल
ट्रेवल करते हैं, अगर हम एक मीटर ट्रेवल करते हैं तो हम बोलेंगे एक मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ पे एक सेकेंड, एक सेकेंड में हम एक मीटर की दूरी ट्रेवल करते हैं। ऐसे ही वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हम बता ही चुके कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं। वेलोसिटी का मतलब क्या है कि एक सेकंड में हम कितने मीटर का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, उसको बोलेंगे हम वेलोसिटी। अगर हम इसकी एसआई यूनिट देखें, स्पीड की देखते हैं पहले, डिस्टेंस यानी कि मीटर, स्पीड टाइम यानी कि सेकंड। अगर हम एक लाइन में ही लिखे मीटर पर सेकंड, उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह से डिस्टेंस ही है, यानी कि लेंथ पर टाइम की सेकंड। इन दोनों की सेम ही है, लेकिन फर्क क्या है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो गाइस एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, वेलोसिटी का मतलब होता है वेग। अब इसका मतलब क्या है चेंज इन वेलोसिटी, मान लो कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ मूव करना तो उसको हम बोलेंगे यू ऑन। तो मान लो वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट होते ही उसने अपनी स्पीड को चेंज कर दिया, यानी कि यू टू चेंज मान लो कर दिया 15 मीटर पर सेकंड से, तो हम बता रहे हैं कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हुई यानी कि u2 माइनस u1 कितनी चेंज हुई, 15 में से 5 निकाले 10 मीटर पर सेकंड से चेंज हुई। पर सेकंड मतलब क्योंकि हम टाइम यहां पर 1 सेकंड का ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब u1 5 थी यानी कि जब स्टार्ट हुआ तो वो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, नेक्स्ट टाइम जब वो अगले सेकंड में जाएगा तो उसमें कितना ऐड होगा 10, यानी कि हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। उसके नेक्स्ट 6 सेकंड में फिर 10 ऐड होगी यानी कि 25 मीटर पर सेकंड उसकी एक्सेलरेशन बनती जाएगी। तो गाइस अब हम करेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि हमने मान लो यहां से स्टार्ट किया, यहां ये हमारा ए पॉइंट है मान लो, तो हम यहां से जब सर्कुलर वे में हम जब जाएंगे तो उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन, यानी कि हम सर्कल में मूव करते ही जाएंगे तो उसको बोलेंगे हम सर्कुलर मोशन। तो गाइस हमारी इंग्लिश की लूसेंट में एक लाइन लिखी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो गाइस पहले हम ये देखते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो है जिसमें हमारी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म रहेगी, यानी कि हर सेकंड हम सेम स्पीड के साथ मूव करेंगे, लेकिन ये हमेशा एक्सेलरेटेड होती है। क्यों होती है, हमने ये तो बता दिया कि ये इसकी हम जैसे भी मूव करेंगे, लेकिन ये हमेशा डायरेक्शन चेंज करती रहेगी, इसलिए हम इसको एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हम यहां से स्टार्ट किया, यहां से गए डायरेक्शन चेंज, फिर हम नीचे से आए तो ये साउथ में आ गई, तो हम यहां से फिर चेंज, तो ये डायरेक्शंस चेंज होती रहती हैं, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने के साथ इनका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि इनकी वेलोसिटी है जो वो चेंज होती रहती है, और जो वेलोसिटी चेंज होती है हम उसको ही एक्सेलरेशन बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसीलिए इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। तो गाइस अब हम करेंगे एंगुलर मोशन, जिसको हम बोलते हैं कोणीय वृत्तीय गति। तो गाइस इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एंगल्स बनेंगे। तो कैसे, मान लो ये एक पॉइंट है, यहां से एक सर्कल यानी कि ऐसे हम बना रहे हैं, तो क्या होगा, यहां इस सर्कल से ये डॉट, तो यहां से एक एंगल फॉर्म होगा ऐसे, ये हमारा रेडियस होता है और यहां से एक एंगल फॉर्म होगा
जो कि होगा थीटा, तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर मोशन। तो गाइस आप बुक में देखिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो एंगुलर मोशन होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं और इसको हम बोलते हैं ओमेगा। इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन टाइम, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम। टाइम का मतलब जो टाइम एक रेवोल्यूशन में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए लगा रहा है उसको बोलेंगे हम टाइम, और जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे थीटा। तो गाइस इसमें आगे क्या है कि n इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यानी कि एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करना एक सेकंड में, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन वन सेकंड, एक सेकंड में हम कितनी रेवोल्यूशंस को कंप्लीट करते हैं उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। अगर हम n की बात करें तो n किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन टी के, यानी कि फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1 अपॉन टी के। एंड गाइस फ्रीक्वेंसी में अगर हम देखें कि एक सर्कल जा रहा है, ये पूरा सर्कल कितने का होगा, 360 डिग्री का, और जिसको हम बोलेंगे 2 पाई। तो गाइस हम इसमें क्या लिखेंगे, थीटा की जगह हम लिख देंगे 2 पाई अपॉन टी। अपॉन टी का मतलब क्या है, 1 अपॉन टी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 तो हम नोट ही नहीं करते, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, 2 पाई एन। तो यही हमारे बुक में दिया हुआ है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, क्योंकि थीटा अपॉन टी और फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टी। तो हमने 360 एंगल को 2 पाई लिखा और 2 पाई 1 बाय टी और ओमेगा आ गया 2 पाई एन। तो गाइस अब हम करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो गाइस अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपिया, एंड इस बुक ने उसने न्यूटन के बारे में एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ मोशन के बारे में न्यूटन ने। तो गाइस इसमें है न्यूटन के 3 लॉज, फर्स्ट है न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो गाइस फर्स्ट लॉ क्या है, तो गाइस फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा, या अगर मूविंग पोजीशन में है तो वो मूविंग पोजीशन में ही रहेगा, कब तक, जब तक इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। मान लो कि ये हमारे पास मार्कर है और हमने इसको यहीं रख दिया, तो ये यहीं पर ही खड़ा रहेगा जब तक हम इसको एक्सटर्नल फोर्स से आगे या पीछे मूव नहीं करते, या फिर कोई मूविंग चीज है तो वो मूव ही करती रहेगी जब तक हम उसको एक्सटर्नल फोर्स देकर स्टॉप नहीं करते। तो यही था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, और न्यूटन के फर्स्ट लॉ में इसीलिए उसने फोर्स को डिस्क्राइब किया है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि फोर्स की डिस्क्रिप्शन किस लॉ में दी गई है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में। फोर्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक्सटर्नल एक्ट जब हम किसी भी चीज पर लगाते हैं, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं ताकि उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, रेस्ट है तो वो मूविंग में आ जाए, मूविंग है तो वो रेस्ट में आ जाए, उसको हम बोलेंगे फोर्स। तो गाइस अब हम देखेंगे मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि मास मतलब हमारा वेट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट, एंड वेलोसिटी मतलब उसकी स्पीड, यानी कि जो मोमेंटम है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। अगर तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो मोमेंटम हमारा इंक्रीज होगा, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो मोमेंटम हमारा डिक्रीज होगा। तो गाइस अब हम देखेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो गाइस न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स होती है वो इज इक्वल होती है एम वी। तो ये बना कैसे, ये बना ऐसे कि जो
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम के। बताया था कि जो मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर कहीं ना कहीं वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फोर्स कहीं ना कहीं अप्लाई होगी ही होगी, और वेलोसिटी का रिलेशन मोमेंटम के साथ है। तो हम इस पर क्या करेंगे, मास अगर हम इसको कांस्टेंट में बनाना है तो इज इक्वल टू एम, और उसके साथ हमारा एक कांस्टेंट आएगा ए, उसको कहते हैं हम एक्सेलरेशन। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम अगर यहां से कहें कि न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या बताया है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ में बताया है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। तो गाइस अब हम करेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ। हम न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी कि कोई भी चीज हम जब करते हैं तो उसका हमें ऑपोजिट रिएक्शन मिलता ही मिलता है। किस प्रकार, जैसे कि अगर हम बोलें कि रिकॉइल ऑफ गन, कैसे कि अगर हम किसी भी गन को चलाते हैं तो हम देखते हैं कि जितनी फोर्स से उसकी जो गोली होती है वो आगे जाती है, उतनी ही फोर्स के साथ हम पीछे जाते हैं। या फिर हम कहें कि अगर हम वेल से पानी निकालें, जितनी फोर्स से हम उस पानी को निकालेंगे, अगर वो रस्सी हमारे हाथ से छूट गई तो वो उतने ही फोर्स से नीचे जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जैसा हम एक्शन करेंगे उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हमें मिलेगा। तो गाइस अब हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो गाइस ये प्रिंसिपल क्या कहता है लीनियर मोमेंटम का, ये प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी चीज अगर वो रेस्ट स्टेज में है तो वो रेस्ट स्टेज में ही रहेगी जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करती। या फिर हम ऐसे कहें कि टोटल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन बिफोर इज सेम। तो हम इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वो सेम कैसे रहेगी। सपोज कि ये एक रूम है, हमने इसमें क्या किया, पार्टिकल्स होते हैं, हमें ये तो पता ही है कि इसमें पार्टिकल्स होते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसमें चार पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। तो क्या होगा, ये अपना अपना मूव करेंगे तो इनका ये इनिशियल मोमेंटम होगा जिसको हम बोलेंगे m1 u1 m2 u2, इसी तरह से m3 u3 and m4 u4। एंड अब ये मूव कर रहे हैं, यानी कि ये है बिफोर कोलिजन के बाद। इसका सम अगर हम बात करें, इसका सम अगर ये कोलाइड यानी कि ये एक दूसरे से टकरा जाते हैं, इनमें कोलिजन होती है, तो क्या होगा, इन दोनों में चेंजेस आ जाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये फास्ट हो जाएंगे, यहाँ इनमें कोई ना कोई वेलोसिटी में चेंजेस आएगी। तो इस चेंजेस से क्या होगा, जितनी चेंज इसमें आएगी सेम चेंज ही इसमें आएगी। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, m1 v1 plus m2 v2, ये इक्वल है, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी के साथ इक्वल हो गई, यानी कि बिफोर कोलिजन का सम मोमेंटम का आफ्टर मोमेंट आफ्टर कोलिजन के सम के साथ इक्वल होगा। तो यही लाइन इसमें लिखी है कि एज अ सीक्वेंस द टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम। तो गाइस अब हम करेंगे इंपल्स। इंपल्स क्या होता है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, यानी कि किसी थोड़े से टाइम के लिए कोई फोर्स ज्यादा अप्लाई करते हैं, ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, तब उस फोर्स को बोलेंगे इंपल्सिव फोर्स, यानी कि इंपल्स। इसकी हम अगर हम एग्जाम्पल लें कि हम अगर वॉक कर रहे हैं तो हम सिंपल वॉक करते जाएंगे, अगर हमारे पीछे से कोई व्हीकल या कुछ आ रहा है तो हम उसको भाग कर वॉक करेंगे, यानी कि हमने एक थोड़े से टाइम में अपनी फोर्स को इंक्रीज कर लिया, यानी कि अपनी स्पीड को तेज कर लिया
उसको हम बोलेंगे इम्पल्स, यानी कि इम्पल्सिव फोर्स। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें उसमें उसका फॉर्मूला होगा चेंज इन मोमेंटम। यही बात हम कर रहे थे, मोमेंटम मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का रिलेशन है स्पीड यानी कि फोर्स के साथ। जितना हम फोर्स इंक्रीज करेंगे ना मोमेंटम चेंज होगा, और चेंज इन मोमेंटम को ही हम बोलते हैं इम्पल्स। तो गाइस ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने किया मोशन एंड उसके कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स। तो गाइस हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम करेंगे फ्रिक्शन, जो कि चैप्टर 2 का ही आगे का पार्ट है, और इसमें हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में एंड सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में एंड इसके साथ ही रिलेटेड टर्म्स के बारे में। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।